जो वजीर आजम ने पार्लियामेंट में कहा कि राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में हम भारत की आवाम को यही बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलिबल। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे में ये कहा कि खुदाई के दौरान ये बात साबित नहीं हुई कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस दिन मूर्तियों को रखा गया मस्जिद के अंदर मिंबर नबवी के ऊपर मूर्तियों को रखा गया, जिस दिन मस्जिद को शहीद किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो क्रिमिनल एक्ट था, नेशनल शेम था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग उस जमाने में ट्रेवलर्स थे उनकी किताबों को अहमियत दी, मगर हम देश को बताना चाह रहे हैं कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी उस मस्जिद के तीनों जानेब खबरावी है, उस मस्जिद के तीनों जानेब खबर है। अब के खबरा नहीं है, ग्रेव्स है, 300-400 साल पुराने खबरें हैं। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं उन खबरों का क्या करेंगे आप? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मगर हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं है। कोर्ट का फैसला है मानते हैं, मगर उन खबरों का क्या करेंगे? मस्जिद जिस जगह पर थी उसके तीनों जानिब खबरें,